आप थोड़ा सा अपना बता दीजिए, आप क्या चाहते हो, आपकी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है? मेरा नाम ज्योति तिवारी है और ये मेरी 9 साल की बच्ची है। इसके साथ जो भी अन्याय हुआ है ना, मुझे उसमें न्याय चाहिए। मैं आपको पूरी घटना बताना चाहती हूँ कि उस दिन सुबह जब मैं घर पे थी अपने, तो 8:30 बजे उनका छोटा बेटा मेरे घर आया और बोला कि आप अपना बच्चा दे दो आंटी, मुझे मेरे बड़े भाई ने खेलने के लिए मंगाया है। तो मैंने अपना बच्चा उनको खेलने के लिए दे दिया। फिर मुझे लगा कि अब देर हो गई है, तो मैं अपना बच्चा वापस लेने के लिए उनके घर चली गई। जब मैं उनके घर गई तो उसने स्कूल बैग उठाया और वो वहां से बाहर निकलने लगा। जब वो बाहर निकलने लगा तो मैंने उससे पूछा कि इतने सुबह ये कहाँ जा रहा है, तो उसकी माँ ने मुझे कहा कि वो ट्यूशन पढ़ने जा रहा है। जबकि वो ट्यूशन पढ़ने नहीं जा रहा था, उसकी माँ को ये बात पता थी। उन्होंने उनसे झूठ बोला कि वो ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, जबकि वो ट्यूशन पढ़ने नहीं गया और मेरे घर चला गया। मेरे घर जाकर उसने मेरी बेटी के साथ इतनी दरिंदगी से उसको मारा, उसे जलाया और उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया कि मैं बस आपको बता नहीं सकती कि एक माँ का दर्द क्या होता है। एक माँ क्या महसूस करती है जब उसके सामने उसका बच्चा जल जाता है और वो अपने जलते हुए बच्चे को देखती है। तो मैं बस अपने लिए न्याय चाहती हूँ, अपनी बेटी के लिए न्याय चाहती हूँ। हमने एक टेस्ट कराने की मांग करी कि उसका ऑसिफिकेशन टेस्ट किया जाए, पर हमारा टेस्ट रद्द कर दिया गया। अब हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, मेरी बेटी को न्याय मिले, उसका मेंटल टेस्ट कराया जाए, उसका ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया जाए और उसे एक दिन के लिए छोड़ा ना जाए, उसका क्राइम देखा जाए कि उसने क्या किया है। उसने एक साथ 4 क्राइम किए, मेरी बेटी के साथ इतना बुरा बर्ताव किया। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी जैसे जली है किसी और का बच्चा चले, और मैं नहीं चाहती कि किसी और के साथ ऐसा हो। मैं चाहती हूँ कि आप सब माए मेरे साथ आए, मेरा सपोर्ट करें, मेरी बेटी को न्याय दिलाए और अपने लिए भी सोचे कि आगे जब कभी कोई ऐसी घटना घटे तो करने वाला सोचे एक बार कि वो क्या कर रहा है, और वो माँ बाप भी सोचे जो अपने बच्चे को ऐसे संस्कार देते हैं। इस साजिश में सारे उनके माँ बाप घर वाले पूरे लगे हुए हैं, उनको भी चार्जशीट में डाला जाए। पूरी साजिश में वो भी उनके साथ में रहे हैं और अभी भी बचाने में लगे हुए हैं, उसे बेल दिलाने के लिए पूरा पैसा लगा रहे हैं। इधर का फ्लैट बेच के जितना पैसा मिला सारा केस में लगा के इस केस में उसे पूरी तरह से बेल दिलाने में लगे हुए हैं। उनके माँ बाप का नाम राजेश सिंह और आरती है, उसका भाई है गुलशन सिंह। लड़के का नाम क्या था? लड़के का नाम अमन है। और ये घटना एक जुलाई की है और ये पूरी मीडिया पूरे हर जगह वायरल है, पर फिर भी इतना सब होने का बाद भी मीडिया में इस बात को दबाया गया, हमें न्याय नहीं मिला, पुलिस ने अपनी तहकीकात पूरी नहीं की। और हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, तो प्लीज पब्लिक सपोर्ट आइए, हर माँ वो आए जो मेरा सपोर्ट करे अपने बच्चे के लिए। कार्रवाई के